आज यहाँ परिणी और जुहू हाफ मैराथन हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज़ द थर्ड ईयर एंड मोर देन 4000 बच्चे लोग ने जो पार्ट लिया, मैन वीमेन चिल्ड्रन एवरीबडी, इट इज़ अ ग्रेट एंथुजियाज्म, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ फॉर एवरीबडी एंड आई एम श्योर इन द फ्यूचर दे विल डू मोर एंड मोर बेटर, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू। आज यहाँ परिणी जो हाफ मैराथन अभी जस्ट हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? आई कांट एक्सप्रेस माय जॉय बिकॉज द वेदर वाज एक्सट्रीमली गुड, द पार्टिसिपेशन वाज एक्सेलेंट, वी गॉट मेनी मोर रनर्स देन लास्ट ईयर एंड द एनर्जी वाज अनबिलीवेबल, सो आई कांट आस्क फॉर एनीथिंग बेटर एंड मेनी ऑफ द रनर्स कुड गेट देयर पर्सनल बेस्ट विद द पीबी इट इज कॉल्ड इन रनिंग पार्लर एंड दे गॉट देयर टाइमिंग्स वेरी वेल एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम। ये थर्ड इवेंट है, हाँ थर्ड ईयर है और इतना ज़्यादा लोगों का इसे सपोर्ट मिला है, तो इसके बारे में? ये बहुत अच्छा है बिकॉज फिटनेस इज अवर मोटो, यू गेट फिट थ्रू स्पोर्ट्स फाउंडेशन, सो वी से दैट यू नो व्हेन यू थिंक ऑफ फिटनेस पीपल थिंक ऑफ आइदर जिम और डाइट, वी से दैट यू परस्यू एनी स्पोर्ट्स एंड यू कैन बी फिट, सो दिस इज वॉट एवरीबडी इज कमिंग ऑन अ संडे मॉर्निंग एज माधुरी दीक्षित सेड 5 o'clock somebody gets up and comes here, it's that commitment to yourself, rejoice your body and be fit. Thank you so much. Thank you. परिणी जुहू हाफ मैराथन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आयोजित किया गया था, द होल अरेंजमेंट was very very good, the route was good, the weather condition was absolutely perfect for running, bahut maza aaya running karne mein, mujhe yahan pe guest of honor karke bulaya gaya tha, but after seeing the weather and the crowd, the strong crowd, my running soul actually could not restrain, and that's why I also participated in the running. I completed and finished in 1 hour 42 minutes with an impressive timing. The weather was excellent. Main sach kahun to aayojan jo in logon ne kiya hai wo bahut hi khoobsurat tarike se kiya hai, bahut hi shandar tarike se kiya hai, aur meri shubhkamnaen hain ki ye Parini Juhu Marathon mein भाग लेने वाले लोगों की तादाद हमेशा बढ़ती जाए। मैं हिंदुस्तान में ये देखना चाहता हूँ कि केवल स्पोर्ट्स लविंग पीपल ना हो बल्कि स्पोर्ट्स प्लेइंग पीपल हों, और रनिंग से बेहतर आसान कोई और दूसरा इवेंट ऑफ स्पोर्ट्स नहीं है जिसमें सारे लोग भाग ले सकते हैं, जिसमें कोई एक विजेता नहीं होता है, भले ही विजेता होता है लेकिन हर व्यक्ति के लिए तालियाँ मिलती हैं, हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा होता है और हर व्यक्ति अपने मकाम तक पहुंचता है जो वो तय करता है, तो जिसने भी स्टार्ट लाइन को छू लिया और जिसने भी फिनिश लाइन तक अपनी दौड़ पूरी की उसने अपना मकाम पूरा किया, ऐसा मैं समझता हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग, ओके बिकॉज दिस इज़ माई होम टाउन, यहीं मैं रहता हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुश होने की बात है। तो मेरी डॉटर परिणी जो है उसने मुझे प्रॉमिस किया है दैट विद इन 3 years शी विल ऑल्सो बी रनिंग हाफ मैराथन अलॉन्ग विद मी। थैंक यू सर फॉर बीइंग सच अ मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर ये तीसरा थर्ड ईयर है परिणी जुहू हाफ मैराथन, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? आई हैव बीन रनिंग सिंस लास्ट 8 years, लेकिन यहाँ पे जो दौड़ने की मज़ा है और ये ग्राउंड के अंदर जो आप देख सकते हैं टर्फ लोन डाला है, फ्लड लाइट्स है, तो दिस इज़ इवन फार बेटर देन जियो गार्डन, और यहाँ पे दौड़ने के लिए आज तो भगवान ने हमको ब्लेस किया था, काफ़ी टेम्परेचर भी कम था और ये हमारा होम टाउन है, तो जू में दौड़ने का एक मज़ा और सेटिस्फेक्शन बहुत ही अलग है, इट्स अ डिफरेंट प्लेजर, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। आई ऑल्सो रन टूडे 21 किलोमीटर्स। करीब 4000 लोग आज यहाँ पे थे, तो ये जो सपोर्ट मिल रहा है, लोग इतने आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, ये लोग यहाँ पर फैमिली के साथ आके पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक फ़न बहुत ही अलग है जो बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। मैं काफ़ी जगह जाता हूँ, दौड़ता हूँ,
लेकिन यहाँ की एक विशेषता वो है कि यहाँ लोग फैमिली के साथ पार्टिसिपेट करते हैं और कई बड़ी संख्या में आते हैं, वो एक बहुत ही सराहने लायक बात है। हाँ जी, और मेरी बेटर हाफ भी है साथ में। ओह दैट्स ग्रेट। या या या। तो मैं आप दोनों को पूछना चाहती हूँ कि एज अ यूथ जब आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आए हो तो आपको कैसे लग रहा है? It feels amazing. Like I love running. So like today also, like when I ran, I felt very good. Especially like looking at other people getting motivated, it feels very good. Yeah, just to add on to that, I think it's a very good experience. It's just not running. It's, I would say it's a very wholesome experience wherein everyone comes together, motivates each other. There's music, there's cheering. And when you see so many people running along with you, it's a different experience altogether. So I'd say it was a very fruitful few hours. Yeah. Thank you very much. जिस कैमरा Hi, this is Meghna Chugira. I ran 21 kilometers. I finished in 2 hours 4 minutes and it was really great to be the champion of this event. Thank you so much. That's it. Actually, it gives me a sense of pride, but it's all because of my dad. And actually, I love running. And more than that, like this is a very good experience, like with your friends having fun. So I would like want to do more marathons, and it's like amazing. I don't know how to express myself. Okay, so this is our first time we're doing this marathon, and it was really fun. It was a nice experience. We would be looking forward for more new marathons, and Parni's dad is going to train us for 10 kilometers next. Yeah. So this was an amazing experience. This is my first time I'm running a marathon, and me and Parini, we both are running, and we all have had a lot of fun. It's I think all of our first time running a marathon, and I'm really happy to be here, and I'll be waiting for the next marathon coming. The marathon experience has been great, and we're going to progress more by running 10 kilometers, 21 kilometers, and her dad's going to train us, and we're going to like get a lot of medals and trophies and prize. Great. Thank all the very best. Thank you. सर कैसा लग रहा है इतना एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ में इतना मस्त इवेंट कर? एकदम बढ़िया, एकदम भाई, वेरी वेरी कंटेंट टुडे। ये टाइम हमने दो चीज़ नई ट्राई की, एक तो हमेशा बीब लेने के लिए लोगों को जाना पड़ता है बीब डिस्ट्रीब्यूशन डे पे, हमने ये टाइम सबको घर पे कुरियर कर दिया, तो बहुत लोग खुश है कि जाना झंडे ने सबको पैक करके मिला। और दूसरा, ये जो हमने सेल्फी बूथ रखा है, आपका बीब नंबर दे दो तो आपका कितना टाइम हुआ, कितना पेस हुआ, कितना रैंक है, सब सामने आ जाता है। तो सेल्फी बूथ भी एक नॉवेल्टी है, दो हमने नई चीज़ ये की इस टाइम पे, और इतना बढ़िया हमारा सोसाइटी ने ग्राउंड बना दिया, तो एवरीथिंग इज़ गुड। एंड सबसे बढ़िया तो भगवान ने मेहरबानी की, आज इतनी बड़ी अच्छी क्लाइमेट थी, रनर लोग को दौड़ने का मजा आ गया। सर नेक्स्ट ईयर आप भी दौड़ोगे? मैं तो हमेशा दौड़ता हूँ, मैं तो 21 किलोमीटर 6 टाइम दौड़ा हूँ। ओके, थैंक यू। It's always fantastic to get associated with energy in youth, and you can really see around, it's so crazy, the energy is superb, and people are really enjoying out here. And tell me a little about has Parini been associated with sports before, or is it the first time that you've come into sports? No, we've been doing a marathon, Jew marathon. This is last to last year we did one, and from this year again we are doing. So run is fun, so we are always there with fun. Can I see you run next year, sir? Of course, yes. Thank you. Thank you very much. Thank you.